नाम को ले लेकर इसमें प्रणाम करते हैं। ध्यान रखना, बोले एक समय क्या हुआ, जो श्रीवास पंडित लोग चार भाई थे, वो चार भाई रात भर दिन भर मृदंग मजरा लेकर के और पूरा इधर बात सुना, उन्होंने सब पूरा परिवार सबको लेकर के रोज दिन रात कीर्तन करते, दिन रात कीर्तन करते थे। इसलिए आसपास के लोग कभी कभी उनको बड़े चिढ़ जाते थे, तो काम धंधा नहीं, जब तक हरे कृष्ण करते रहते हैं, पेट में तो भूख है और भूख मारे नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती रात भर चिल्लाते रहते हो, हैं चिल्लाते रहते हो, और भगवान के प्रति उनका पूरा दृढ़ विश्वास है, पूरा विश्वास है। इसलिए एक समय चैतन्य महापुरुष उनके घर में आए, घर में आए तो चार भाई, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करते, सब दिन रात भजन करते। एक दिन महाप्रभु आकर के बोले, श्रीवास तुम चार भाई हो, तुम्हारी चार पत्नियां हैं, लेकिन कोई काम धाम नहीं करते, फिर घर गृह से कैसे चलेगा तुम्हारी। जब उन्होंने बोले ना, तो उन्होंने तीन बार ताली बजाई। बोले तीन बार ताली क्यों बजाई, बोले प्रभु गीता में आभी प्रतिज्ञा की है, क्या प्रतिज्ञा है, भगवान कहते हैं अनन नश्चिंत तमाम जजना परजुपासते तेसांग नित्याभियुक्ता नाम जोगाक्षयम वाहम अहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य रूप में मेरे भजन करते, अनन्य मतलब क्या, और कोई देवा देवी की पूजा नहीं, आज इसकी पूजा कल उसकी पूजा कल उसकी पूजा, नहीं, एकनिष्ठ होकर केवल मेरी पूजा करते, मेरा नाम मेरी कीर्तन ज्ञान कर्म से अनावृत होकर के शुद्ध रूप में मेरे एकांत रूप में जो मेरे भजन करते हैं, उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। बोले क्या करते हो, बोले घर में जो चीज नहीं हो मैं सर पर रख करके घर में पहुंचा देता हूँ, घर में जो चीज हो मैं स्वयं एक चौकीदार बन करके उसका मैं रखवाली करता हूँ। गीता में तो आपकी प्रतिज्ञा की बात, इसलिए प्रभु आपका बात का मेरा विश्वास है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, दिन भर आपका भजन पूजा नाम करता हूँ। बोले फिर तुमने ताली क्यों बजाई, बोले इसलिए मैंने ताली बजाई, एक दिन तुम्हारे नाम को कीर्तन करते हुए देख लूंगा मेरे को घर में कुछ खाना पीना आता है कि नहीं, क्यों तो आप तो खुद बताए ना, मैं खुद सर पर रख कर घर में पहुंचाता हूँ, फिर मैं क्यों इधर उधर जाऊँ, इसलिए आपका नाम करता हूँ भजन करता हूँ, है इसलिए पहला दिन मैं देख लूंगा तेरे नाम करके भक्ति करके मेरे घर में कुछ आता है कि नहीं। बोले दूसरा बार ताली क्यों बजाए, बोले दूसरे दिन भी देख लू कुछ आता है कि नहीं। बोले तीसरे ताली क्यों बजाए, बोले तीसरे दिन भी देख लूंगा कुछ आता है कि नहीं। बोले फिर बोले नहीं आएगा तो मैं सोचूंगा भगवान गीता में झूठ मूठ बोल दिया, इसलिए लास्ट में गले में कलसी बांध कर गंगा में डूंगर भगवान झूठ बोल दिया। हे महाप्रभु इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, इसको पीठ पर हाथ पड़ता सदैव वरदान किया गया। बोले देखो मेरे जो एकांत रूप में भजन करते ना, वो कोई भूखे रह नहीं सकते, क्योंकि चिट्ठी से लेकर हाथी को पालन करने वाला मैं, जो उसका भजन नहीं करते हैं ठाकुर जो उसको पालन करते हैं, और जो मेरे भजन करते हैं क्या उसको मैं पालन नहीं करूंगा, हैं? अगर लक्ष्मी भी कभी उसको जा जा करके दरवाजा दरवाजा में कभी उसको भीख मांगने पड़ जाए, लेकिन मैं तेरे को वरदान देता हूँ तेरे घर में किसी चीज की कभी कमी नहीं पड़ेगी, जय गौर ब्रह्मानंद। इसलिए ये ऐसे भक्त थे, लेकिन कुछ गाँव कुछ ब्राह्मण लोग थे वो उनको बड़े चिढ़ते थे, क्योंकि वो देखते थे अरे जगत में बड़ा इनका नाम हो रहा, भजन करते ना भक्ति करते हैं, जो भजन भक्ति करेगा उसका तो नाम दुनिया में होगा ही, बोले इतना बड़ा भक्ति करते हैं दुनिया में तो इनको जय जयकार हो रहा है, सारा दुनिया इनकी पूजा भक्ति करते हैं, हाँ जगत में इनका बड़ा नाम हो रहा है, इसलिए वो बड़ी इनकी भक्ति को देख करके ना बड़े जलते थे, हैं बड़े जलते थे। बोले इनको बदनामी कर दूंगा, क्या बदनामी कर दूंगा, रात में क्या किया, इनके घर को सामने लाकर मदिरा है शराब, और घर को सामने की जवाब फूल होता है लाल, जिसमें माँ देवी की जिसमें पूजा होता है उसकी, और जो पांच तरह का पूजा के लिए जो लगता है ना, है दारू फारू उल्टा पुल्टा गंदी गंदी चीज घर को सामने लाकर, आज जब सवेरे हुआ ना सब लोग इकट्ठे कर दिया। बोले देखो तुम सोचते हो ये रात भर कीर्तन करते ढोंग रचाते हैं, देख लो ये देवी पूजा के लिए सारे शराब और क्या गंदी गंदी चीज से माँ देवी पूजा करते हैं, और रात को ना स्वर्ग से अपसरियों को बुलाते भोग करते उनके साथ,
हरी दुनिया को दिखाते हैं, बड़े ढोंग रचाते हैं, हम हरी भजन भक्ति कर लिया, कोई भक्ति नहीं ढोंग रचाने वाले सब कैसे आप भजनाम कर दिया। लेकिन जो भक्त है ना कहते ना जो साए सो रहे, जो ना साए और ना सहे, लेकिन जो तो भक्ति करने वाले ठाकुर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, जानते हैं जाकर आके साइया मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी है, भगवान को विश्वास है, ठाकुर देखेंगे, ठाकुर देखेंगे। कुछ दिन बाद में क्या हुआ, कहते ठाकुर जी हर चीज को सहन कर सकते हैं, लेकिन उनकी भक्तों को कोई निंदा करे ना बदनाम करे ठाकुर जी कभी सहन नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं मेरा अपना हाथ है, अगर मेरे हाथ अगर कभी मेरे भक्तों का विरोध में जाएगा मैं अपना हाथ को भी काट दूंगा, मैं कभी मेरे भक्तों का बुराई कभी मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। कारण क्या, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, मैं भक्तों का हृदय में रहता हूँ, भक्त सब कुछ छोड़ करके मेरे चरण को उसने आश्रय ग्रहण किया। उदाहरण देते हैं जीनी बालक के राखे में था, जैसे कि माँ जैसे बच्चा माँ की गोद में लेटकर जब सर रखकर सो जाता है ना वो निश्चित रूप से सो रहा है, क्यों किसकी गोद में सो रहा है, माँ की गोद में सो रहा है, निश्चित जानते भैया मेरे को रखा करेंगे कोई चिंता नहीं, माँ की गोद में सो रहा हूँ। इसलिए भगवान भक्त भक्त मतलब है संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में शरणागत हैं, ठाकुर मेरे पर रक्षा करेंगे, सब कुछ ठाकुर मेरे जीवन में पूर्ण विश्वास उनको ठाकुर जी का प्रति। इसलिए अभी क्या हुआ, भगवान इसको शरीर में कुष्ठ व्याधि कर कूड़, उसका नाक गले लग गया, गले में कूड़ हो गया, कीड़े पड़ गए, इतने दर्द होता था, इतने दर्द होता था, चिल्लाया करता था, इतने कष्ट भोग कर लास्ट में महाप्रभु के पास में गए, बोले प्रभु मेरे को अपराध माफ कर दो, मैंने श्रीवास पंडित को मैंने इतने बदनाम करवाया, ये करवाया, इसलिए मेरे को इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, प्रभु मेरे को उद्धार करो, मेरे को उद्धार करो, मेरे को कृपा करो। महाप्रभु बोले देखो अगर कांटा अगर पैर में चुभ जाती है ना वो सर में नहीं निकलता है, पैर का तरफ में निकलेगा, तुमने अपराध किसको चरण में किया, श्रीवास पंडित, अब माफी मांग रहे हो मेरे पास भैया उसके पास, फिर उनने श्रीवास पंडित के पास जाकर के उनके चरण में गिर गए, गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, भक्त बड़े दयालु बड़े कृपा, भक्त ने माफ किया तो उसकी बीमारी सही। महाप्रभु ने कहा देखो एक काम करो, तुमने ये मुंह में संतों की बुराई की ना, फिर तुमको एक काम करना पड़ेगा, फिर इसी जिस मुंह में तुमने बीस खाए हो उसी मुंह से अमृत पीना पड़ेगा, तभी तो सही हो जाएगा ना, बीस तो मुंह में पिए हो, मुंह में ही अमृत पीना पड़ेगा तभी बीस खत्म हो जाएगा, मुंह में तुमने संतों की बुराई की, फिर मुंह में तुमको भगवान के भक्तों का जो बड़ाई उनकी जो प्रशंसा तुमको मुंह से करना पड़ेगा, फिर सही हो जाएगा। जब बोले जो भजन गाए ना तब उन्होंने सारे वैष्णव जितने सब संत थे वृंदावन मथुरा जगन्नाथपुर जितने सब संत थे सबको एक एक करके उसमें प्रणाम कर, इसलिए कहते ये भजन गाने से क्या होगा सारे संतों को प्रणाम करना हो जाएगा, अगर किसी संत के चरण में अपराध हो ना अपराध भी माफ हो जाएगा। इसलिए हम लोग रोज रोज क्या करते हैं ये भजन को रोज रोज गाना ठीक है, और एक भजन रोज गाना बोले हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्रीमाधु सुदाना निवेदाय गोविंद Yeah.
राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला पर विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला पर विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री ल नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण, बात मत करो। हरे कृष्ण, हाँ एक प्रश्न उत्तर सुन लेते। किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है, किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया है नित्य कल्याण लाभेर उपाय की, मतलब जीव का वास्तव रूप में कल्याण कैसे हो। एक होता है नित्य कल्याण और एक होता है अनित्य कल्याण। जैसे ही जगत में थोड़ी समय के लिए कोई अच्छा हो गया लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर दुख आने लग गया है। एक दुख आए सोचते हैं ये दुख किस तरह से खत्म हो जाए शांति मिलेगा, तो एक दुख गई नहीं फिर दूसरे दुख सामने खड़ी है। इसलिए इसको कहते हैं अनित्य कल्याण है। हाँ कल्याण तो है, कभी दुख है कभी सुख है कभी दुख है सुख, लेकिन इनका प्रश्न है ऐसे उपाय किया है जिसको द्वारा कभी जीवन में दुख ही नहीं आए, कभी जीवन में दुख ही नहीं आए, जीवन में आनंद ही आनंद ही है। कहते ऐसे कोई क्या उपाय है क्या? तब प्रभुपाद इसको उत्तर देते हैं, भगवत भक्तेर शुभाकांक्षा ऐ जे जीवगण केवल अमंगल मध्य ही ना थाकूक तार नित्य कल्याण लाभ करो। जगत में भगवान की भक्त लोग जगत में जो प्रचार करते हैं, क्यों प्रचार करने के लिए आते हैं, कारण क्या है? बोले कारण है भक्तों को पता है संसार में जीव सुखी तो है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है, हैं ज्यादा ही बल्कि दुख है, सुख तो बहुत कम है। लेकिन बीच बीच में ठाकुर जी सुख भी देते हैं, देते कि नहीं? बोले सुख देते हैं। बोले सुख क्यों देते हैं? बोले अगर दुख ही दुख देगा तो जीव तो सुइसाइड कर देगा, वो आत्महत्या कर देगा। अगर ज्यादा दुख 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 आए ना क्या होगा, जीव आत्महत्या कर देगा ना। आत्महत्या करेगा तो फिर इसको जो कर्म फल कैसे भोग करेगा। इसलिए माया क्या करती है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सुख भी दे देती है, हैं? लेकिन भगवान की भक्त लोग क्या चाहते हैं? बोले चाहते हैं इनको ऐसे हो हर समय आनंद ही आनंद रहे, कभी जीवन में इनकी दुख ही कभी जीवन में दुख ही नहीं आए, जीवन में आनंद ही आनंद ही आए। ये भगवान की भक्तों की यही इच्छा है। इसलिए केवल अमंगल मध्य नाथा को, जीव कभी अमंगल के अंदर में नहीं रहे और उनको नित्य कल्याण कैसे हो, वास्तव कल्याण कैसे हो, इस कोशिश करते हैं। सही नित्य कल्याण लाभर उपाय कृष्ण पृष्ठ श्री गुरुदेव पाद पद्म आश्रय। कहते हैं अगर हम वास्तव में नित्य कल्याण चाहते हैं फिर हम क्या करना पड़ेगा? कहते जो भगवान की अत्यंत जो प्रिय भक्त है ऐसे भक्तों का तुम्हें शरण लेना पड़ेगा, हैं? कहते ऐसे कौन है? बोले वास्तव रूप में भगवान की भजन परायण संत होने चाहिए, ऐसे नहीं भक्ति भक्ति से जिनका कोई मतलब नहीं, भक्ति भजन भजन से कोई मतलब नहीं, भगवान से हैं कोई भक्ति की ये नहीं, ऐसे साधु ऐसे गुरु नहीं। इसलिए बताए तस्मात गुरु प्रपद्ये त जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्म निपसमाश्रम। जब श्री नवजोगेंद्र को नमी महाराज प्रश्न करते हैं ये माया बड़ी ठगिनी है, हैं माया बड़ी ठगिनी, ये माया से कैसे जीव निकले, माया से उद्धार कैसे हो, तब कहते तस्मात गुरुम प्रपद्येत। माया से निकलना तो क्या करना पड़ेगा? बोले तस्मात गुरुम प्रपद्येत, इसलिए क्या करना पड़ेगा? गुरु जी की शरण में जानी चाहिए। बोले भैया गुरु जी की लक्षण भी कुछ तो होनी चाहिए। बोले शाब्दे परेच निष्णातम, पहला गुण है समस्त शास्त्र को जाननी चाहिए।
क्योंकि शास्त्र अगर नहीं जानेंगे तो हमारे हृदय की शंकाओं को दूर नहीं कर सकते हैं। बोले सारे शास्त्र पढ़ लिया सब कुछ नहीं, परिच मतलब भगवत भजन परायण, अनुभूति परायण, भक्ति परायण होनी चाहिए, हाँ माया से ऊपर होनी चाहिए। कहते ऐसे अगर जो भगवान की अत्यंत जो प्रिय जन जो भक्त है अगर ऐसे व्यक्ति की शरण जाते हैं क्या होगा, जहार पाद पद्म आश्रय कर ले नंद नंदन कृष्ण सेवा लाभ है। कहते ऐसे श्री गुरु जी की शरण में जाएगा तो क्या होगा, बोले भगवान श्री नंद नंदन की सेवा प्राप्त होगा। इसलिए जगत में कुछ गुरु होते हैं ना, बोले भगवान भगवान कुछ नहीं, गुरु ही सब कुछ है, हैं गुरु ही सब कुछ है। बोले नहीं, ये गुरु ठग गुरु है, हैं एक होता है बिचौलिया होता है ना, जो लड़का लड़की के अंदर संबंध कर देता है। गुरु का काम क्या है, ये जीव को साथ में भगवान की संबंध को जो जोड़ दे भगवान के साथ। ऐसे नहीं बिचौलिया खुद लड़का को हटा कर खुद शादी कर दे लड़की को साथ में, हैं इसलिए ये काम नहीं है। इनका काम है जो सदगुरु है वो क्या करेगा, उसको जीव को भगवान तक पहुंचाता है, उसको नंदन नंदन तक पहुंचाता है, भगवान तक पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं दिन भर मेरा ही नाम मेरा ही सेवा मेरा ही प्रिय भगवान भगवान कुछ नहीं। बोले नहीं, अगर सदगुरु आश्रय ग्रहण करेंगे तो हमें भगवान तक पहुंचाएंगे, ठाकुर को साथ में हमारी वो संबंध को ठाकुर को साथ में जोड़ेंगे। इसलिए कहते रूपा भिन्न से ही गुरुदेव सेवा दृढ़ विश्वास और पृथ्वी सहित करता है वे एवं तार मुख्य हरिभजन कथा सुनता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, गुरुदेव कौन है, बोले हम लोग कहते हैं ना हमारी जो गुरु परंपरा है, हाँ रूप गोस्वामी, हम कहते रूपानुगत्व, हम लोग श्री रूप गोस्वामी की आनुगत्य में भगवत भक्ति करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो मूल है श्री रूप गोस्वामी राधा रानी की अत्यंत अत्यंत, ये इनके नित्य निकुंज में जो सेवा करने वाले, हम रोज भजन गाते हैं ना, निकुंज जो नारति कले से धाय जा जाले भेजोक तेरा पेक्षणिया तत्रा दिदाक्षादति वल्लभस वंदे गुरु श्री चरणारविंद। कहते हमारे गुरुदेव क्या करते हैं, कहते निकुंज जून रति कैल सिद्ध राधा रानी की जो निकुंज लीला में उनकी क्रीड़ा में जो अत्यंत अत्यंत जो एक्सपर्ट है, हैं जो अच्छे तरह से राधा कृष्ण की जो सेवा करते हैं, ऐसे जो गुरुपाद पद्म हम उनके चरणों को आश्रय ग्रहण करते हैं। कहते रूपा गोस्वामी की अनुगत करने से राधा कृष्ण की जो नित्य सेवा निकुंज का सेवा जीव को प्राप्त होता है। कहते ऐसे ऐसे गुरुदेव देवा, अगर ऐसे गुरु जी की दृढ़ विश्वास करके अगर हम प्रीति को साथ में सेवा करेंगे तो, और उनके मुंह से भगवान की कथा सुनेंगे, कथा सुनते सुनते क्या होगा, कथा बहुत जरूरी है, कथा के बगैर ना व्यथा नहीं जाएगा, हैं इसलिए हमें भक्तों का कथा सुननी चाहिए। जैसे महाप्रभु कहते हैं, जैसे हमने एक गमला में जैसे पौधा लगाए, अगर पानी नहीं देंगे तो कब तक पेड़ जिंदा रहेगा, मर ही जाएगा ना। इसलिए कहते हैं हमको नित्य श्रवण कीर्तन जले करे सचन, नित्य ऐसे नहीं जैसे घर रोज झाड़ लगाते कि नहीं, रोज स्नान करते कि नहीं, शरीर में साबुन तेल लगाते कि नहीं, रोज लगाते हैं ना। इसलिए उसी तरह ये शरीर के लिए तो इतना शैम्पू तेल सोडा क्या क्या लगाते हो, लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हो, आत्मा के लिए क्या करो, भगवान की कथा सुनो कीर्तन करो, हैं जैसे सवेरे पौधा में एक बार पानी दे दिया ना, दिन भर देखना एकदम फ्रेश रहता है पौधा, फ्रेश रहता कि नहीं, उसी तरह सवेरे उठ करके अपना कीर्तन अपना भजन अपना पूजा उसको पूरा अच्छे तरह से कर लेनी चाहिए। सवेरे मानो पानी दे दिया पौधा में, दिन भर देखना भक्ति तुम्हारी खिलती रहेगी, भक्ति तुम्हारी हरी भरी रहेगी भक्ति, हैं। इसलिए यहाँ पर कहते क्या करना पड़ेगा, हरि भजन का कथा हमें सुनना पड़ेगा, भक्तों के मुंह से कथा सुनना पड़ेगा। कथा सुनने पर क्या होगा, बास पनपनाते हुए तुम्हारी भक्ति बढ़ती जाएगी, हैं बढ़ती जाएगी। इसलिए कहते दो तरह के पौधा होता है, एक पौधा होता है जिसे नया नया लगाए ना, तो नए नए लगाओगे पौधा को उसको रोज पानी देना पड़ेगा नहीं तो सूख जाएगी, लेकिन एक पौधा होता है जो एकदम एकदम गहरा चले जाता है, बड़ा वृक्ष, बड़े वृक्ष में कोई पानी देते हैं वो अपने आप पानी को नीचे से वो खींच लेता है, अपने आप पानी को खींच लेती है। इसलिए कहते जो भक्ति करते करते जिसको एकदम पूरा भक्ति में दृढ़ विश्वास,
वो कहीं भी रहे ना, नित्य कीर्तन, हरि का नाम, अपना भजन, संख्या पूर्वक नाम कीर्तन, स्वयं सब साधन कर लेगा। तब भी हमारे गोस्वामी लोग, मंजरी सखियां थी, तब भी ये लोग क्या करते थे, इकट्ठे बैठते थे। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बैठ करके आपस में हरि चर्चा करते थे, हरि कीर्तन करते थे। हैं, इसलिए कहते क्या करना पड़ेगा हमें, हरि कथा सुनना पड़ेगा, हरि कथा कीर्तन करना पड़ेगा हमें। हाँ, इसलिए कहते श्री गुरुदेव रे पद धूलि संबल हैले, भुवन मोहन कृष्ण रे माधुर्य सेवा लाभ करते परा जाए। कहते भगवान की सेवा कब प्राप्त होगा, जब श्री गुरुपाद पद्म की शरण में हम जाएंगे, उनकी पद धूल को अगर हम जीवन में ग्रहण करेंगे तो भगवान की भक्ति में हर समय हम बढ़ते रहेंगे। इसलिए ऐ जने गुरुदेव रे पाद पद्म नित्य भजनीय। इसलिए हम लोग रोज सवेरे उठकर क्या करते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घन घन त्वम प्राप्त से कल्याण गुणार नवस्य वंदे गुरु श्री। रोज रोज भजन गाते हैं ना, मतलब क्या है, गुरुदेव कौन है। कहते भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं, उनकी करुणा उनकी कृपा ही एक मूर्ति रूप धारण करके जगत में आए, कौन है, श्री गुरुदेव। श्री गुरुदेव गुरु के कृपा के बगैर जीव का कोई गति नहीं। इसलिए अपराकृत गुरुपाद पद्म यही जगते जगत रे वस्तु नहेन, अनित्य वस्तु नहेन, रक्त मांस पिंड मात्र नहेन। इसलिए कहते जो अपराकृत जो गुरुपाद पद्म कहते इसी जगत का कोई वस्तु नहीं है, वो अनित्य वस्तु नहीं है। हमारा जैसे शरीर, जैसे क्या है, खून पीठ मांस से बना हुआ, जो दिव्य गुरुपाद पद्म कहते उनको ऐसे हमारी जैसे उनको नहीं समझनी चाहिए। तिनी भगवानेर न्याय सचिदानंद विग्रह, जैसे भगवान का स्वरूप सत चित आनंदमय है, गुरुपाद पद्म भी सत चित आनंदमय है। श्री गुरुपाद पद्म, गुरुपाद पद्म नर ब्रह्म नर नहेन। इसलिए गुरुदेव कौन है, नर ब्रह्म नर रूप में भगवान है। हाँ, बोले साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही, समस्त शास्त्र क्या कहते हैं, गुरुदेव भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप श्री गुरुपाद पद्म। भगवत वस्तु का अर्थात गुरु गौरांग के जहरा जगत रे अन्यतम वस्तु बोले मने करे, तारा निजर स्वार्थ सिद्ध जन्य सेवा अभिनय मात्र करे। इसलिए कहते जो गुरुपाद पद्म के हैं श्री महाप्रभु के, कहते जगत का कोई वस्तु उनको नहीं समझनी चाहिए। जो उनको साधारण व्यक्ति समझते हैं वो क्या करते हैं, कहते ये भजन का केवल अभिनय मात्र करते हैं, उनका भजन भजन नहीं है। इसलिए तारा शुद्ध सेवा नहीं, ताहा के बढ़िया वृत्ति व पद्मनीति वृत्ति बोला है। इसलिए कोई कोई व्यक्ति होते हैं ना जो गुरुपाद पद्म को भगवान को साधारण समझते हैं, कहते जैसे बढ़िया बढ़िया किसको कहते हैं, जैसे 100 रुपया लेकर गए, 100 रुपया का चीज दिया, 100 रुपया का सामान दे दिया, हो गया खत्म, वो प्रेम प्रीति वहां पर कुछ है नहीं है। इसलिए ये बढ़िया वृत्ति ये स्वार्थ पर वृत्ति है। इसलिए जीव जेकाल पर्यंत भजनीय वस्तु गुरुपाद पद्म ने पूर्ण अनुगत ना करे, से काल पर्यंत भगवान ताहर दर्शनीय ना। कहते जीव को भगवत दर्शन कब प्राप्त होगा, ठाकुर का दर्शन मिलेगा कब, बोले तभी जीव को भगवत प्राप्ति होगा है, बोले जिस समय संपूर्ण रूप में गुरु जी और भगवान के चरण में, जब हम संपूर्ण रूप में शरणागत नहीं हो जाए, संपूर्ण रूप में शरणागत नहीं हो जाए, तब तक तो क्या होगा, तब तक भगवत दर्शन हमें मिलने वाले नहीं। जहरा गुरुपाद पद मेरे अपराकृतत्व ईश्वरत्व ओ कृष्ण पृष्ठत्व अवगत नहीं, तारा चीद राज्य अर्थात कृष्ण सेवा राज्य प्रवेश संपूर्ण अयोग्य। इसलिए गुरुपाद पद्म को किस रूप में समझना पड़ेगा, कहते गुरुदेव साधारण नहीं, वो अपराकृत है, जगत से वो अतीत है, और वो ईश्वरत्व भगवान की अत्यंत प्रिय है। और ये कौन है, भगवान ही हमारे ऊपर में कृपा करने के लिए वैकुंठ गोलोक वृंदावन से ही इस जगत में उतर करके वो आए हैं। कृष्ण सेवा राज्य प्रवेश, अगर इस रूप में जब गुरु जी को समझेंगे तो भगवत सेवा में हमारी प्रवेश की अधिकार मिलेगा। गुरुदेव कृपा हो हमारा अपराकृत वस्त्र निकट जाते पारिव, चैतन्य देवर पाद पद्म आश्रय करिया चैतन्यमय,
सेवा सवाचिद चक्षु द्वारा ताहर दर्शन लाभ करते पारे हो। इसलिए कहते हैं कहते भगवत दर्शन कब होगा, हमें भगवत प्राप्ति कब होगा, बोले जब गुरु गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए और गुरु जब कृपा करके हमें जब ये दिव्य चक्षु प्रदान करे। अभी हमारी जो आँख है ना, ये जड़ आँख है, ये जड़ आँखों से हम सही वस्तु को नहीं देख सकते हैं। गुरुदेव कृपा करके हमें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। कहते ना चक्षु दान दिला जई जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। गुरुदेव हमें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। बोले हमारा तो आँख पहले से ही है, गुरुदेव क्या आँख देते हैं। बोले हमारा जो आँख है ना, वो जड़ आँख है, ये हमारी जड़ आँख है, इसमें जड़ वस्तु ही देखते हैं। लेकिन जब गुरुपाद पद में हमें कृपा करेंगे, फिर हम सही हमें ज्ञान प्रदान करेंगे कि संसार किया, दुनिया किया, भगवान किया, भगवान को साथ कैसे भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें वो दिव्य ज्ञान तभी प्राप्त होता है जीवों को। इसलिए कहते हैं स्वयरूप कृष्ण रे पाद पद्म निकट पहुंचे वर सौभाग्य पाइया धन्य कृतार्थ है वो। पहले गुरुदेव की कृपा से ही हम क्या कर सकते हैं, फिर भगवान के चरण को प्राप्त करके फिर भगवान की नित्य सेवा में हम नियुक्त हो सकते हैं। किसकी कृपा से, बोले गुरुदेव की कृपा से। इसलिए प्रश्न किया था, प्रश्न था जीव को नित्य कल्याण कैसे प्राप्त हो, जीव को वास्तव शांति सुख वास्तव कल्याण कैसे हो। बोले तभी जीव को वास्तव कल्याण होगा जब जीव सद्गुरु चरण आश्रय करते हुए वास्तव रूप में भगवान की भक्ति करेगा, भजन करेगा, तभी जीव को परम शांति परम सुख तभी मिलेगा। नहीं तो ये जगत का कोई भी वैभव हमें जगत में आनंद नहीं दे सकता है। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वाचाकृभ्य कृपा सिंधु भाई वच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताय गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे